हाय पिला माने वेलकम बैक टू आरके ट्यूटोरियल पॉइंट तुम्हारा स्वागत करुच्ची मु रमाकांत। पिला माने आज क्लास में डिस्कशन करिबा प्लस टू सेकेंड ईयर इकोनॉमिक चैप्टर पाँच कहीपर चैप्टर फाइव किसी टॉप एमसीक्यू तुम जान यह एमसीक्यू रो प्रैक्टिस सेट सीरीज तुमको मुझे ऑलरेडी सतट छोटी क्लासेस रे बहुत गुड़े एमसीक्यू तुमको चारोटी चैप्टर तुमको द्वारा चैप्टर वन टू थ्री एवं फोर कंप्लीट कर सारी सहित तुमको 2022 टू नहीं कि 2016 पर्यंत जहाँ भी प्रीवियस एमसीक्यू तुमको एग्जाम आसी आम डिस्कशन कर सारीचे। तो आई होप तुमने ये सीरीज को भल से फॉलो करुथिबो तुमको वीडियो पसंद आसो तुमको हेल्पफुल होतिबो तुम एग्जाम पई एवं तुम प्रैक्टिस रे मु तुम किसी हेल्प कर पार्छे मो पर बहुत बड़ सौभाग्य कथा। चलंतु पिला माने डिस्कशन करिबा आरंभ करिबा। प्रश्न नंबर वन आम कौन पचारुछि प्रथम पढ़ने कौन लिखी संभाव्य चारोटी उत्तर मध्य ठीक उत्तर टी बाछि लेख आमको ऑप्शन ए बी सी डी देकी चारोटी ऑप्शन दे भितर आम गोटे आंसर को चूज करिबा। एवं तुमको मुझे गोटे कथा कही रखुच्छे पिला माने प्रश्न मुझे पढ़ी सारापर ऑप्शन पढ़ी सारि तुमने वीडियो को पॉज करके आंसर निजे चूज कर सर तापर मोर वीडियो को देखिबो एवं आंसर से तुम चाहिए मैच कर पार तुमने आंसर को कंपेयर कर पार तुमने भूल कह कि ठीक कहल ओके देखिबा पिला माने प्रश्न नंबर एक आम कौन पचारुची समजातीय द्रव्यर कारबार क्यों बजार होता है आउ थे समजातीय द्रव्यर कारबार क्यों बजार होता है एकाधिकार बजार बी एकाधिकारी प्रतियोगितामूलक बजार सी अल्पाधिकार बजार डी पूर्ण प्रतियोगितामूलक बजार। पे प्रश्न नंबर एक रो आंसर तुम मत कमेंट सेक्शन लिखिकी चढ़ेब ओके कमेंट सेक्शन लिखिकी जड़ेब जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू पे स्क्रीन में देख पूर्ण प्रतियोगितामूलक बजार चाहिदा रेखा आनुभूमिक होता है उल्लंब होता है निम्नगामी होता है ना ऊर्ध्वगामी होता है। पे प्रश्न नंबर दुई ऑप्शन नंबर ए हूँ राइट आंसर सब मन रख कौन हो आनुभूमिक होता है। प्रश्न नंबर तीन क्यों बजार रे अल्प संख्यक विक्रेता था पूर्ण प्रतियोगितामूलक बजार बी एकाधिकार बजार सी अल्पाधिकार बजार डी एकाधिकारी प्रतियोगितामूलक बजार। पे प्रश्न ही तुमको आंसर मिल जाऊँ क्यों बजार अल्प संख्यक विक्रेता था पे अल्पाधिकार बजार एथेर कौन प्रकार मानने डाउट रहा कथ ही नुह। प्रश्न नंबर फोर आत्मनिर्भरशीलता क्यों बजार प्रमुख वैशिष्ट आउ थे आत्मनिर्भरशीलता क्यों बजार प्रमुख वैशिष्ट ए पूर्ण प्रतियोगितामूलक बजार बी एकाधिकार बजार सी अल्पाधिकार बजार डी एकाधिकारी प्रतियोगितामूलक बजार। पे प्रश्न नंबर चार ऑप्शन नंबर सी हूँ राइट आंसर अल्पाधिकार बजार मन रख अल्पाधिकार बजार। जीवा क्वेश्चन नंबर फाइव देखा देख पे क्यों बजार रे जड़े मात्र विक्रेता था पूर्ण प्रतियोगितामूलक बजार एकाधिकारी बजार अल्पाधिकारी बजार एकाधिकारी प्रतियोगितामूलक बजार। पे प्रश्न नंबर पाँच टी ऑप्शन को देखिए तुम गेस कले पूरा 100% तुम राइट चूज कर पार अल्पाधिकार कह पे अल्प आमर विक्रेता आवश्यक पूर्ण प्रतियोगिता कह पे आमर सब अधिक रु अधिक कौन बेपारी आवश्यक एकाधिकारी कहले प्रतियोगितामूलक कहले पे ये प्रतियोगिता कहले एक रु अधिक बेपारी आवश्यक किंतु एकाधिकारी बजार कह पे जन को बुझे जो बजार जड़े मात्र विक्रेता था। तो प्रश्न नंबर पाँच ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर एकाधिकारी बजार। प्रश्न नंबर छ चाहिदा और जोगाण समान होगा अवस्था निर्धारित दाम हो स्वाभाविक दाम अस्वाभाविक दाम संतुलित दाम वास्तव दाम। पे प्रश्न नंबर छ आम कहीपर ऑप्शन नंबर सी हूँ राइट आंसर आम कहीपर संतुलित दाम बुझिपार।
देख प्रश्न नंबर सात जोगाण अपरिवर्तित रही चाहिदा वृद्धि पाइले संतुलन दर कौन हम ह्रास पाइब वृद्धि पाइब अपरिवर्तित रहिब ना निर्णय असंभव हम पिला माने प्रश्न नंबर सात ऑप्शन नंबर बी होची राइट आंसर सब मन रखिए वृद्धि हम जोगाण अपरिवर्तित अच्छी किंतु चाहिदा बढ़ला पिला माने संतुलन दर कौन कर स्वाभाविक बढ़ हाँ कि ना जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने क्वेश्चन नंबर आठ देख कौन पचार आमको क्यों काल रे जोगाणर वृद्धि घटी न थाए बजार काल रे स्वल्प काल रे दीर्घ काल रे ना कौन सीट नुहे पिला माने प्रश्न नंबर आठ ऑप्शन नंबर ए होच राइट आंसर बजार काल रे प्रश्न नंबर नौ दीर्घकालीन दाम हेउची बजार दाम वास्तव दाम स्वाभाविक दाम ना कौन सीट नुहे पिला माने प्रश्न नंबर नौ आम कहींपर ऑप्शन नंबर सी होच राइट आंसर स्वाभाविक दाम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दस देखिए पिला माने देख दुष्प्राप्य द्रव्यर दाम हेउची बजार दाम स्वाभाविक दाम वास्तव दाम ना कौन सीट नुह पे माने प्रश्न नंबर दस ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर स्वाभाविक दाम पूर्ण प्रतिजोगिता बजार रे विक्रेता संख्या दुई जन विपुल संख्यक अल्प ना जड़े मात्र पिला माने जो कह पूर्ण प्रतिजोगितामूलक बजार तो स्वाभाविक आंसर कौन हम ना विपुल संख्यक आम पाखे बेपारी रे प्रश्न नंबर बार क्यों बजार दाम एक प्रकार थाए एकाधिकार अल्पाधिकार पूर्ण प्रतिजोगिता ना कौन सीट नुह पे ये कहुच्छे एमती गोटे बजार कह जो दाम कौन सी जिनस हो मोबाइल फोन हो स्मार्टफोन हो टीवी हो दाम गोटे रही थी कौन पर्टिकुलर कंपनी और पर्टिकुलर मॉडल कथा कहींपर तो पे प्रश्न नंबर बार ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर पूर्ण प्रतिजोगितामूलक बजार में कौन सी निर्दिष्ट जिनसर मूल्य सर्वदा सामान थाए प्रश्न नंबर देखा तेरह क्यों बजार क्षेत्र में नूतन प्रतिष्ठान मानकर प्रवेश निषेध पूर्ण प्रतिजोगिता एकाधिकार अल्पाधिकार ना कौन सीट नुह पे कमी गोटे बजार जो जो नूतन बेपार करने को जो नुआ बेपार से दुकान खोलवाक जाए असंभव हम कौटी पे जो जड़े बेपारी थी सी हूँ एकाधिकारी जमी कहते धरतु कौन तुम फिल्म हल को जाठ देख पे गोटे थी कौन आमर स्नाक्स दुकान कहीं लीज से ही नहीं चीज दुकान कर तो पुणे से ही रो जे रो सब गेट बाहर रे बुझिपाल ना ना आम तो इंटरवाल थी पे इंटरमिशन लिखो तुम जो बाहर को उठिक तो चाउमिन आना स्नाक्स आना जहाँ भी आना तुम पे देखिए 10 रुपी जो स्नाक्स आइटम थी सी जो 20 तुम जोटा खाऊ धरतु गोटे पेटिस खाइब तो पे से पेटिस मूल्य बाहर 25 टाँह थी तो भितर से 60 टाँह ने बुझिपाल ना ना तापर देखिए पे प्रश्न नंबर 14 चाहिदार वृद्धिहार जोगाण रे वृद्धिहार अधिक हेले दाम वृद्धि पाए ह्रास पाए स्थिर रुहे ना कौन सीट नुहे प्रश्न नंबर 14 पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर वृद्धि पाए प्रश्न नंबर 15 देखिए पे जेतेबेले उभय चाहिदा और जोगाण समान हार वृद्धि ह्रास होते कौन हम स्थिर वृद्धि ह्रास ना कौन सीट नुहे स्वाभाविक पे बुझीपार प्रश्न नंबर 15 पे कौन हम वृद्धि पाव जितेबाला उभय चाहिदा और जोगाण सामान दर सामान हार वृद्धि ह्रास होती कौन से दरदाम वृद्धि पाव गोटे मिनट आउ थ पढ़ा जिते उभय चाहिदा लोकंर आवश्यकता चाहिदा जीक आवश्यक जोगाण सामान रान हार वृद्धि पाव सामान हार कम से दाम पे कौन हम 15 नंबर पे आम कहीपर स्थिर राम वृद्धि भी हम ह्रास भी हम तो पे कौन कहीपर आंसर कहीं टे कन्फ्यूजन पे रोच कौन बुझ प्रश्न रखी जिते बड़े उभय चाहिदा और जोगाण सामान हार वृद्धि ह्रास हम सामान हार वृद्धि हम सामान हार ह्रास हम तेल पे मन रख वृद्धि पाव ओके प्रश्न नंबर 16 जोगाण स्थिर थाई चाहिदा वृद्धि पाइले दाम पिला माने जोगाण स्थिर थिबो एवं चाहिदा जदि वृद्धि पाइबो जेतिकी मार्केट को आसबार सेतिकी आसुची किंतु चाहिदा वृद्धि पाइ जाउची लोक माने आग्रह बढ़ुची त
तो पे कौन हम दाम वृद्धि हम चाहिदा स्थिर रही जोगाण वृद्धि पाइले दाम कौन हम पे प्रश्न नंबर 17 आम कहीपर ह्रास पाइब। प्रश्न नंबर 18 एकाधिकार स्वत्व विहीन बजार व्यवस्था को कौन कहुए आउ थे एकाधिकार स्वत्व विहीन बजार व्यवस्था को कौन कहुए पूर्ण प्रतिजोगिता शुद्ध प्रतिजोगिता एकाधिकार ना अल्पाधिकार पे प्रश्न नंबर 18 ऑप्शन नंबर बी होगी राइट आंसर आम कहीपर शुद्ध प्रतिजोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा प्रश्न नंबर 19 उभय एकाधिकार और प्रतिजोगिता जो बजार व्यवस्था परिलक्षित हुए सही बजार व्यवस्था को कौन कहुए एकाधिकार कहुए पूर्ण प्रतिजोगितामूलक कहुए अल्पाधिकार कहुए ना एकाधिकारी प्रतिजोगितामूलक कहुए पे प्रश्न नंबर 19 ऑप्शन नंबर डी होगी राइट आंसर एकाधिकारी प्रतिजोगितामूलक बजार बोली कहुए। प्रश्न नंबर 20 क्यों बजार स्थिति रे उत्पादनकारी माने विज्ञापन उपरे बहुल परिमाण रे खर्च करिथांती राइट आंसर पिला माने कौन अल्पाधिकार बजार रे पूर्ण प्रतिजोगितामूलक बजार रे एकाधिकारी प्रतिजोगिता ना एकाधिकार पिला माने एका तो कहले माने जणे जणे तो सेठी तमानको कौन भी आवश्यक अच्छे प्रचार प्रसार करबा तो राइट आंसर पिला माने कौन हो एकाधिकारी प्रतिजोगितामूलक माने एकाधिकारी प्रतिजोगिता एटा हबनी कहीं ना ये तो जड़े रही कि प्रतिजोगितामूलक रही थी से आम आडभटाइज करवा निहाती जरूरी। देखा प्रश्न नंबर 21 कौन पचार चमक पाने अर्थनीति बजार कहले कौन बुझाए निर्दिष्ट भौगोलिक स्थान क्रेता और विक्रेता मध्य समन्वय द्रव्यर विक्रय उपरोक्त समस्त पे प्रश्न नंबर 21 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्रेता और विक्रेता मध्य समन्वय। ओके प्रश्न नंबर 22 निम्नोक्त केउटी पूर्ण प्रतिद्वंदितामूलक बजार रे वैशिष्ट्य नुहे असंख्य क्रेता विक्रेता अबाध प्रवेश प्रस्थान सर्वाधिक लाभ समजातीय द्रव्य पे प्रश्न नंबर 22 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आम कहीपर सर्वाधिक लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा प्रश्न नंबर पे 23 देख के बजार रे प्रतिजोगी प्रतिष्ठान माने दर ग्रहणकारी प्रतिष्ठान भाव विवेचित होंगे पूर्ण प्रतिजोगितामूलक बजार एकाधिकार बजार अल्पाधिकार ना एकाधिकारी पे प्रश्न नंबर 23 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर पूर्ण प्रतिजोगितामूलक बजार रे एपरी होइथाय। प्रश्न नंबर 24 निम्नोक्त केउटी एकाधिकार बजार रो वैशिष्ट्य एकक विक्रेता बा प्रतिष्ठा असंख्य क्रेता प्रतिस्थापक द्रव्यर अनुपस्थिति ना उपरोक्त समस्त पे प्रश्न नंबर 24 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आम कहीपर मैंने हाँ पे प्रश्न 24 मुझे कौन पचार निम्नोक्त केउटी एकाधिकार बजार वैशिष्ट्य एकक विक्रेता प्रतिष्ठा ठीक असंख्य क्रेता ना प्रतिस्थापक द्रव्यर अनुपस्थिति ना पे उपरोक्त समस्त हम तीन टा जगह सॉरी एकक विक्रेता प्रतिष्ठा ये तो हूँ एकाधिकार बजार वैशिष्ट्य असंख्य क्रेता हाँ किणला वाला अलग देते मुझे विक्रेता भाविक तुमको तो भूल पड़ी। प्रश्न नंबर 25 देखा बजार पे द्रव्यर बजार दर किभल निर्धारित हुए द्रव्यर जोगाण द्वारा द्रव्यर चाहिदा द्वारा उभय ओ बी ना डी पे प्रश्न नंबर 25 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आम कहीपर उभय ए ओ बी द्रव्यर जोगाण द्वारा और द्रव्यर चाहिदा द्वारा सब दर आसव। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जी प्रश्न नंबर 26 पे देख के बजार रे क्रेता बा विक्रेता द्रव्य को द्रव्यर दर को प्रभावित करपारी न था अल्पाधिकार एकाधिकार पूर्ण प्रतिजोगिता ना एकाधिकार बजार पे प्रश्न नंबर 26 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर पूर्ण प्रतिजोगितामूलक बजार एपरी घटी थाए। प्रश्न नंबर 27 बजार दर निर्धारण क्षेत्र में कहार अधिक प्रभाव रही है जोगाणर चाहिदार उभय एओबी ना कौन से नुहे पे बजार दर के निर्धारण क्षेत्र में प्रभाव उभय जोगाणर पड़ो चाहिदार पड़ो। प्रश्न नंबर 27 पे आम कहीपर बेसिकाली चाहिदा को अधिक गुरुत्व दे हेब ओके जोगाण तो अलग कथ चाहिदा को जब जोगाण अधिका मात्रा होता कि चाहिदा लोक न तो पे चाहिदा अधिका होगा कि जोगाण कम होता पे स्वाभाविक कथ वृद्धि पाव
तो चाहिदा अधिक गुरुत्व दि जाए। पे आज आम डिस्कसन कले प्लस टू सेकेंड इयर इकोनॉमिक चैप्टर कहपर फाइव तर किसी टॉप एमसीक्यू जहाँ तुम भल लगे बोली मोर आशा एवं तुमको शेयर सब्सक्राइब पे गोटे मोपाई कहपर गुरुदक्षिणा सदस्य तुम चाहिए देपार तुम जेको ग्रुप अच फ्रेंड्स ग्रुप पे तुम जो स्कूल कॉलेज कोचिंग जो ग्रुप अच से गोटे गोटे सेयार तुम्हारे रेस्पॉन्सिबिलिटी हिसाब रहा। ओके पे बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।